अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आटा गूंदने का सही तरीका बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो है आटा हम किस तरह से गूंदें कि रोटी बहुत अच्छी फ्लफ़ी बने, फूली फूली बने। तो आज स्पेशल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये वाइट चक्की का आटा लिया है, ठीक है। सफ़ेद चक्की का आटा लिया है, आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। सफ़ेद चक्की और फाइन आटा दोनों आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, नमक डालना है। अगर तो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है ऑयल यूज़ करेंगे। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें लिया है, ठीक है, और 1 गिलास पानी लिया है। और आटा जो है मैं कप के हिसाब से बता देती हूँ, ये 5 कप आटा है, ठीक है। आपने करना ये है कि इस आटे के अंदर सबसे पहले जो है वो आपने नमक डाल देना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ऑयल जो मैंने 4 टेबल स्पून कहा है वो ऑयल आपने इसमें पूरा डाल लेना है, ठीक है, 4 टेबल स्पून। और उसके बाद जो है वो आपने पानी डालना है। ये मैंने 1 गिलास लिया है, इसको आपने आधा गिलास डालना है। उसके बाद इसको गूंदना है और फिर आपको ये देखना होगा कितनी और मज़ीद ज़रूरत है। ये देखिए, ये आधा गिलास पानी डालने के बाद इस आटे में अभी और मज़ीद पानी की ज़रूरत है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालते जाना है और आटा गूंदते जाना है। ये देखें, जब आटे की इस तरह की शक्ल आ जाए, देखें जब इस तरह की शक्ल आ जानी है आटे की, तो इसको अच्छी तरीके से आपने इस तरह से मुक्के लगाने हैं और बिल्कुल मामूली सा जो है आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है, बिल्कुल मामूली सा। और उसके बाद आपने इसको गूंदना है। इस तरह से आटा बहुत अच्छा गूंदेगा। इस तरह का जब आटा हो तो इसमें आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है। पानी नहीं डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें, आटा आपने इस यहाँ तक आते हुए गूंदना है। ये जब ये वाला टेक्सचर आ जाए इस वक्त तक आपने आटे को जो है वो गूंदना है। और जब ये टेक्सचर आ जाए तो आपने इसको फिर छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने रोटियां बनानी शुरू करनी है। आटा गूंदने के 10 मिनट के बाद आपको लाजमी छोड़ना है, उसके बाद ही रोटियाँ अच्छी बननी शुरू होती हैं। फ़ौरन आटा गूंद के आप रोटियाँ नहीं बनाएँ, वरना रोटियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।